मनातू थाना परिसर में शनिवार को रंगों का त्योहार होली व शबे बारात को लेकर शांति समिति बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी शेखर कुमार वर्मा ने की। वहीं बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने कहा कि वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से होली एवं शबे बारात पर्व मनाया जाता रहा है, इसीलिए सभी लोग मिलजुल कर सौहार्द पूर्ण तरीके से रंगोत्सव का पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि आयोजित शांति समिति बैठक में बहुत कम लोगों की उपस्थिति है, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होकर समस्या से अवगत कराने की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर्व पर जो व्यक्ति रंग लगाने के लिए इजाजत नहीं देता है, वैसे लोगों को जबरदस्ती रंग न लगाएं। वहीं अंचलाधिकारी शेखर कुमार वर्मा ने कहा कि यदि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई उत्पात मचाया जाता है तो फौरन थाना को सूचित करें। होली पर्व पर डीजे पर अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर भ्रामक चीजें पोस्ट ना करें। जबकि थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए मनातू पुलिस 24 घंटे सेवारत है, दिक्कत होने पर सूचना देकर अवगत कराएं। वैसे रंगों का त्योहार पर चारों ओर पुलिस भी मौजूद रहेगी, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी प्रशासन के ही अंग हैं, यदि कोई दिक्कत होती है तो उन्हें भी क्षेत्र का नियंत्रण करने में पुलिस को सहयोग करना होगा। मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने आग्रह करते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री हो रहे महुआ शराब पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना के घटने का कारण शराब ही है। क्षेत्र की जनता से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने की अपील की है। सभी ने कहा कि प्रखंड में कोई पर्व शांति वातावरण में मनाया जाता रहा है। मौके पर एसआई सुखनाथ लोहरा, उमर खान, उप प्रमुख वैजनाथ यादव, वैद्यनाथ सिंह, रगिया पंचायत मुखियापति अंतु सिंह, पदमा पंचायत मुखिया अनुज प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि बिगू साहू, मनातू प्रखंड के 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष एवं मझौली पंचायत मुखियापति उमेश प्रसाद साहू, जाहिद हुसैन, अली मियां, डॉक्टर तैयब खान, चक पंचायत मुखिया नौशाद आलम, शिवकेश्वर गिरी आदि लोग उपस्थित थे। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।